जिन्होंने सुरजेवाला की सरकार विरोधी बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए रणदीप सुरजेवाला को भस्मासुर बताया है और हुड्डा की रथ यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हुड्डा अपनी जख्मी टांग पर रथ लेकर इसलिए पहुंचे ताकि वो सहानुभूति आम जनता की बटोर सकें। लेकिन आखिर इस बयान का मकसद क्या है और क्या इसके मायने हैं, जरा देखते हैं। हरियाणा की सियासत में मिशन 2019 की तैयारी शुरू हो चुकी है और राजनीतिक दल इस रण में पूरी तैयारी के साथ हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। सियासी माहौल क्या बना, नेता एक दूसरे पर आरोपों की बरसात करने लगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विपक्षियों पर तीखे बयान के बाउंसर फेंके। रणदीप सुरजेवाला के सरकार विरोधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने सुरजेवाला को भस्मासुर तक कह दिया। वो हुड्डा और तंवर को भस्म करना चाहते हैं। और सुरजेवाला भस्मासुर है, वो भूपिंदर सिंह हुड्डा को खत्म करना चाहता है, वो कांग्रेस अध्यक्ष को तंवर को खत्म करना चाहता है और अंत में अपने सिर पे हाथ रखेगा, खुद भी खत्म हो जाएगा। वहीं विज ने कहा कि सुरजेवाला तो हुड्डा और तंवर को भस्म करना चाहते हैं। वहीं विज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा निकाली जा रही रथ यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा, हुड्डा अपनी जख्मी टांग रथ पर लेकर इसलिए घूम रहे हैं जिससे वो लोगों की सहानुभूति बटोर सकें, पर जनता समझदार है, वो सब जानती है, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारी दुनिया जानती है कि हुड्डा अब जेल जाने वाले हैं। विज ने कहा कि 3.5 सालों में हुड्डा अपने आला कमान का आशीर्वाद भी नहीं ले पाए, न तो आज वो विधायक दल के नेता हैं और न ही वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। लोगों की सहानुभूति लेने के लिए कि देखो मैं जख्मी हूँ फिर भी मैं रथ यात्रा निकाल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सारी जनता जानती है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा जेल जाने वाला है। अब देखिए 3.5 साल में भूपिंदर सिंह हुड्डा कांग्रेस में अपने नेताओं से आशीर्वाद नहीं ले सके, ना आज ये विधायक दल के नेता हैं, ना ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। देश में हुए बड़े बैंक घोटालों और आरोपियों की फरारी के बाद विज ने सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को घेरा। विज ने कहा कि बैंकिंग घोटाले कांग्रेस की देन है क्योंकि इनका जन्म कांग्रेस के कार्यकाल में ही हो गया था। सियासत में आने से पहले बैंक कर्मी रहे अनिल विज ने कहा कि बैंकों में हुआ गोलमाल बैंक और बैंक कर्मियों का फेलियर और उनकी कमियों का नतीजा है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अब इनके अपने राज में इतने घोटाले हुए हैं, उसके बारे में तो राहुल गांधी बोलते ही नहीं है। अब अगर ये हमारे राज में नहीं हुए हैं, अगर ये मोदी वाला घोटाला भी देखा जाए तो ये भी कांग्रेस के समय में शुरू हुआ था, अब उसका जन्म तो कांग्रेस के समय में हुआ था, तो राहुल गांधी पहले ये तो बताएं ना, 2011 में हुआ था, 11 से 14 तक इन्होंने क्या किया, तब ये नरेंद्र मोदी से पूछ सकते हैं। मिशन 2019 की तैयारी की शुरुआत क्या हुई, नेताओं के बयानीवार तीखे हो चले हैं, लेकिन इस युद्ध में जीत किसकी होगी ये 2019 के चुनावों का नतीजा ही तय करेगा। अंबाला से हरियाणा न्यूज के लिए कमलप्रीत की रिपोर्ट।